सो मैं बेनती करदा बाबा नामदेव जी घग्गे वाले 10 मिनट की हाजरी भरनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म तुम्हारे लिखे माधो लिख दे विच लालो, जन्म तुम्हारे लिखे माधो लिखे दे विच लालो, सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जी, दूरों नेड़े चल के वाली दो जहान सरबरे का नाथ कलयुगी जीवां दे दार करता सतगुरु, दो जहान बाली दया दे सागर कृपा दे दाते चावर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी ते सबाए मान, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र जोरी च पहुंच के काफी समय तो गुरमुख प्यारियां तो महापुरशां तो गुरबाणी दा कीर्तन ते गुरमत दियां विचारां सरवण करके जिथे अपने जीवन दियां घड़ियां टैम अते स्वासां नूं लेखे चला रहे हो
उत्थे उस रंगले सज्जन की याद विच जुड़ के सतसंग जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे चरणां च अरदास करन वास्ते कत्तर होया सारियां संगतां रिश्तेदार संबंधी भैण भरा ते महापुरश सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे चरणां च बेनती करन वास्ते आपां एकत्र होया है सच्चे पातशाह भाई जोगा सिंह तो जीवन यात्रा करद्या तो संसार विच विचरद्या तो सेवा करद्या तो किसी भी तरह की कोई गलती वग्या हो गई होवे उन्हूं अणजाण जाण के माफ करना अपने चरणां दे विच निवास बख्शना गुरमुख परिवार नूं ते महापुरशां नूं स्वाओ सतसंग जी महापुरश उन्हां दीआं नाले गल्लां कर रहे सी ते नाले भी कह रहे सी भी बहुत वड्डा घाटा पिआ जिहड़ा ना पूरा होण वाला पर हुक्म अकाल पुरख दा जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कल्ले आवै नानका सदी उठ जाहे बड़े बड़े पीर पकंबर औलिए संत महापुरश गुरु लोग मात रोग दे उत्ते आए ने सतसंग जी सदी वी काल कोई संसार उत्ते नहीं रहा जे रहा ता सतसंग जी गुरु जी कहिंदे नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोबिंद कहो नानके जगत में किन जप्यो गुरमंत जिवें भाई जोगा सिंह सतसंग जी सब तो पहले नंबर ते महापुरशां ने रख्या होया सी सेवा भी पहले नंबर ते करदे सी हर एक वक्त सत बचन दे अधिकारी सवाओ सतसंग जी इहो जिहे गुरमुख सेवादार कदी कदी मिलदे हुंदे है क्योंकि लम्मा समां नहीं है कोई विचार करन दा होर भी बहुत सारे महापुरखां ने हाजरियां भरनी है अपने ख्यालां नूं मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे चरणां च लै के चलो मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं पता लग्या भी नानक मता जिसका नाम अज इहनूं पहलां गोरख मता कहिंदे सी यूपी दे विच सतसंग जी छेवें पातशाह नूं पता लग्या भी उत्थे सिद्धां ने नाथा ने गुरु घर की बेअदबी की है उन्होंने क्यों ना सबक सिखाया जाए क्यों ना समझाया जाए धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी पातशाह छेवें पातशाह भाई विधि चंद ने अपने कोल बुलाया गुरसिख तो होर भी बहुत सारे गुरु के सिख सारे गुरु नूं प्यारे ने जिवें सारे सेवादार महापुरशां नूं प्यारे हुंदे इसे तरह मां नूं सारे बच्चे प्यारे हुंदे ने भाई जेठा भाई पुराणा भाई पैड़ा मुखा लंगाहा बहुत सारे गुरसिख रहिंदे भाई विधि चंद नूं छेवें पातशाह ने बुलाया विधि चंद नानक मते जाओ उत्थे सिद्धा ने नाथा ने गुरु घर की तौहीन की है गए जाके सतसंग जी उन्होंने सबक सिखाया पढ़ा समझाया जदों मुड़दे आ रहे सी भाई विधि चंद यूपी दे विच सतसंग जी दौल नगर है दौल नगर इत्थे भाई विधि चंद जी ने पड़ा किया
होर भी नाल करनी ते कमाई वाले गुरसिख रुके हुए ने सासा जी जदों जिथे बैठ के पिपल दे दरख्त थले बैठ के गुरु के सिखा ने नितनेम किया बाणी पढ़ी सिमन किया साधी वार दा कीर्तन होया शाम नूं रहिरा साहिब दी बाणी दे पाठ कीते उह जिहड़ा दरख्त सी उह सासा जी हरा भरा हो गया लगरां छड आया सारे इलाके दे विच बड़ी गल फैल गई जदों हौली हौली एक सुंदर सा फकीर सुंदर सा फकीर नूं भी पता लग्या भावें शेर की सवारी करदा सी सुंदर सा फकीर छेवें पात भाई विधि चंद कोल आया आके गुरसिखां दी कमाई ते निम्रता देखी जदों सुंदर साह दी सासां जी भाई विधि चंद दे नाल सांझ बन गई जदों सांझ बन गई आपस विच गल्लां बातां कीतियां सांझ कीचै गुणा केरी गल्लां बातां कीतियां आपस विच बचन विलास होए भाई विधि चंद नूं सुंदर साहिब फकीर गल नाल लग के सुंदर साहिब फकीर भाई विधि चंद नूं कहिंदा विधि चंद आपां ने इकट्ठिआं ने शरीर दा परित्याग करना है भाई सुंदर साहिब नूं विधि चंद कहिंदे ठीक है फकीर जी इकट्ठे शरीर छड्डांगे समां लंघदा गया कीर्तपुर साहिब छेवें पातशाह दे चरणां च भाई विधि चंद बैठे ने इधरों सुंदर साहिब फकीर दा वक्त अखीर है ते सुंदर साहिब फकीर छेवें पातशाह दे सिख भाई विधि चंद नूं याद कर रहे हैं भाई जिस जिवें सासन जी गुरु सिख नहीं कह सकता भी मैं गुरु वर्गा पर गुरु कह सकता भी मेरा सिख मेरे वर्गा है खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ करूँ निवास खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरो पिंड प्राण भाई विधि चंद छेवें पातशाह नूं कहिंदा महाराज मेरा सुंदर शाह दे नाल बचन होया सी मैं पंज पुतक शरीर दा परित्याग करना है महाराज कहिंदे ठीक है बचन करिया ते पूरा उतरना चाहीदा बचन करे सो खिसक जाए बोले नर कच्चा भाई विधि चंद ने छेवें पातशाह दी छाती नाल सिर ला के नमस्कार करके सासां जी पंज पुतक शरीर दा परित्याग इस तरह कर दिता जिवें सप्प कंज नूं छड जांदा है छेवें पातशाह दे छाती दे नाल भाई विधि चंद दा सिर लग्या होया छेवें पातशाह ने दूजे पासे सज्जे हथ नाल कन्न कोल भाई विधि चंद दे सिर नूं अपनी छाती नाल लाया होया अपनी पवित्र रसना तो बचन करदे ने कहिंदे भाई विधि चंद वर्गे गुरसिख रोज रोज मामा जन्म नहीं दिया कर दिया ते नाले छेवें पातशाह दे नेत्र सजल हो गए सतसंग जी एहो जे गुरसिख एहो जे महापुरख सदा नहीं संसार ते आया करदे इस तरह भाई जोगा सिंह बड़ा वफादार सिख सी गुरसिख सी महापुरखां दा सेवक सी सतगुरु महाराज जी पातशाह उन्हां दी सेवा कीती थाए पौण लेखे विच लाउण सवाओ सतसंग जी अगे समां नहीं जात दिंदा संत बाबा कश्मीरा सिंह जी लाहौरा साहिब उन्हां ने भी आउणा सी पर उह किसी कारण तो नहीं आ सके उन्हां ने साडी ड्यूटी लाई सी कहिंदे साडी भी हाजरी जरूर लवाए उन्हां दी भी हाजरी प्रवान करनी इन्नियां कु विचारां करदिआं तों ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਨਮਤ ਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਮਾਧੋ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿਚਲਾ
जन्मत मारे लेखे माधो लेखे दे विच लालो मारे लेखे माधो लेखे दे विच जन्मत मारे लेखे माधो लेखे दे विच लालो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यह सन बाबा नामदेव जी घग्गे वाले जिन्होंने बाबा जी नूं सरदार सत्कार भेट किया।